pūr jāntu chabda kājūna tsūmbā mē bē tēr chāmbō chō kē shēb chē dō. संगा तो यूनिक है। संगा कैसे हुआ है, कैसे मिला, ये आप लोग को सबको जानता है, जानते ही है। ये भारत का संविधान आर्टिकल 371F ने भी इसको महत्वपूर्ण दे के सिक्किम में एक संगा सीट होना चाहिए, क्योंकि इसको बैकग्राउंड हिस्ट्री देख के संगा सीट मिला है। तो आज संगा में वर्तमान सरकार में बहुत आगे बढ़ रहा है। सिर्फ संगा में नहीं, जितना भी गुम्बा है, मंदिर है, चर्च है, सभी में एक नजर से देख के वर्तमान सरकार ने काम कर रहा है। रहा सिक्किम में अभी सिमिक मनस्ट्री में गवा लाचिन चिंपू का एक बड़ा सा स्टेचू बनने वाला है। आज ताई सितु रिम्बोचे ने इसको भूमि पूजन किया। हम लोग 2 वर्षा में ये खत्म करेंगे। ये 100 करोड़ का प्रोजेक्ट है। पहले इस जगह में वैसे भी टूरिस्ट का प्रोजेक्ट, टूरिस्ट आने का कोई भी वो नहीं है, फिर भी आज ये लाचिन चिंपू का प्रोजेक्ट और पिंजो नामगे का प्रोजेक्ट, जैसे वनकलन का प्रोजेक्ट के कारण से भविष्य में टूरिस्ट पूरा आएगा यहाँ। प्रतिनिधि तो जनता ने सिक्किम क्रांतिकारी मोर्चा पार्टी को बनाया है, कोई चेहरा देख के किसी को नहीं बनाया है। जनता ने श्रीमान पीएस गोले साहब को भरोसा करते हैं, इसीलिए गोले साहब को देख के सिक्किम क्रांतिकारी मोर्चा पार्टी को 2019 में विजयी किया है। और अभी यहाँ चाहे लकी बनो चाहे अनलकी बनो, यहाँ का प्रतिनिधि सरकार में अभी नहीं है, तो नए बोलने से भी वो रिजाइन करके भी नहीं किया, फिर भी मंत्री को छोड़ दिया। ये तो इसमें जनता का थोड़ा नुकसान हुआ, फिर भी इसको मुख्यमंत्री महोदय ने मुझे इंचार्ज बना के, मुख्यमंत्री मंत्री नहीं था इस एरिया में, मैं भी खुद MLA तो नहीं हूँ, बस देखने वाला इंचार्ज हूँ, फिर भी आज 100 करोड़ का प्रोजेक्ट हुआ। और यहाँ का जितना भी रोड का कार्पेटिंग है, सब कार्पेटिंग भी हुआ है। तपाईँको बहिनीको एक्स पनि यही गाउँको अरे, अनुशीलाको अनुशीलाको
छैन कि हामी त अब